क्या हो गया? हाँ, एक महीने से मुसलसल कंप्लेंट दे रहे हैं। रमन मंजिल जाके R&B के चीफ इंजीनियर को कंप्लेंट करे। हाँ, 3 बार जाके अब तक अभी भी गया ना, हो रहा है आज तक का काम नहीं। 3-4 महीने पूरे कंप्लेंट करने जमा है मेरे पास। अपन जाएंगे एक बार चीफ इंजीनियर खाने जाएंगे। नहीं, यहाँ कोई वाटर लीकेज है? ये तो जमीन कच्ची है। बारिश तो नहीं ना? खारा पानी रहता ना, रोड को जल्दी डैमेज करता हो। इधर से लीकेज रहा, वो बताओ ये कब से लीकेज हो रहा है ये? हाँ हाँ, तो क्या ड्रेनेज का है या वाटर लीकेज है ये? अच्छा, नहीं छोड़। अस्सलाम वालेकुम। अरे गाय भी आ रही है। सब आप लोगों ने वाटर वर्क्स वाले करते, म्युनिसिपल वाले करते, म्युनिसिपल वाले करते। सही काम वक्त या मजबूत काम ले रहा, मैं फिलहाल जो हूँ एराकुंठा चौरस्ते पे हूँ। तो आप देखिए, मुकामी MLA की तासुबरापना बोलिए या डिपार्टमेंट का तासुबरापना बोलिए, पहाड़े शरीफ के आगे वहाँ से रोड बेहतरीन है और बीच में CRPF का ने रोड बेहतरीन है, सिर्फ ख़राब है बोले तो ये बिल्कुल एराकुंठे का टुकड़ा इतना। यहाँ पर देखिए आप कितनी ख़राब है रोड, ड्रेनेज का पानी भरा, वाटर लीकेज, रोड खराब और गली में ये मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद रशीदिया। आयन जुम्मे के दिन मुसलियाँ आते नमाज को, वहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा, यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा, पूरे दुकाना वाले। ये एराकुंठा चौरस्ता जो है मौत का कुआं बन गया ये। अब तक 3 लोगों का यहाँ पर एक्सीडेंट होके मर गए लोग। और हमारे मैडम जो है आते इलेक्शन में वोट लेते सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, फिर एयर कंडीशन में गायब हो जाते। बेटे आते मुसलमानों से हमदर्दी करते हैं, मंदी खाते, बिरयानी खाते, वोट लेते गायब हो जाते। तो मेरी गुजारिश है, आप 10 साल मिनिस्टर रहे, आप एक रोड सही नहीं करा ले सके, आप क्या डेवलपमेंट करें आप बताइए। तो बहरहाल अभी भी वक्त है, आप करिए, आइए R&B के लोगों को लाइए, वाटर वर्क के लोगों को ला के ये एराकुंठा चौरस्ता चालू कराइए, वरना आपके लिए जमीन तंग हो जाएंगी, ये रोड आपको गुजरना मुश्किल हो जाएगा, उठे बैठे धरने होंगे आपके दफ्तर पे आपके। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे ना? साहब ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये रोड का किस्सा आज का कल का नहीं है, ये 2 साल से ज़्यादा हो गया। और ताजुब की बात यह है कि एक्सीडेंट होने के बाद जान भी चले गई, उसके बाद 3 जने मरे, 3 जनों का इंतकाल हो गया ये रोड के ऊपर, ये बस ये इतने टुकड़े में, मगर फिर भी उसके बाद भी जो है रोड का जो है पुरसाने हाल कोई भी नहीं है, कोई आके पूछना नहीं, कोई रोड बना रहा भी नहीं। टेम्परेरी कम से कम इतना तो कर ले सकते, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी इतना हो जा रहा। अब रमजान सामने है, ट्रैफिक जाम यहाँ से लेके आगे जो है तकरीबन आधा किलोमीटर आगे तक ट्रैफिक जाम, और इधर भी जो है ट्रैफिक जाम हो जा रहा, मगर कोई जो है इसके ऊपर, ये छोटा सा टुकड़ा है, ये तकरीबन 20-25 मीटर का टुकड़ा है, इसको भी बनाने का जो है कोई आगे पूछ रहा नहीं। कंप्लेन डाल दिए, मैडम आए थे हमारी पास जो है रोड का इनॉग्रेशन करने, उस टाइम पे मैडम को जो है कोई साहब आए थे बेचारे, उन्होंने याद दिलाया कि मैडम चौरस्ते का जो एक टुकड़ा है, तो मैडम उसी टाइम पे किसी को बोले कि भाई ये तुम क्यों उसको रोक के रखे, मगर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सबके सबको नॉलेज में है ये कि भाई ये रोड खराब है, इसका काम होना है, मगर फिर भी इसके बाद भी कोई एक्शन ले रहा नहीं, कोई रोड बना रहा नहीं। अब मजबूरन जो है करेंगे इंशाल्लाह, तो नहीं नहीं करेंगे अपन। ये प्रॉब्लम ये 3 साल से साहब, हाँ, ये 3 साल से हम लोगों की इच्छा है कि रात में सो नहीं सकते हो। हाँ, कभी भी उठ के आना पड़ते रहता, क्योंकि कुछ भी गाड़ी पलट जाती, कोई मरते, कोई कुछ भी होता है। 3 जनों के सर पे से भेजे चले गए। परसों में औरत थी जो ऑटो चला रहा, बच्चा उसकी नींद की हालत में, औरत के गोद में से बच्चा गिर गया ऑटो में से, ऑटो में से
ऑटो वाला बोल रहा है उछलने 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 में, तो बच्चा सो रहा था, उन्हें बोली मैं ऑटो पकड़ी हुई हूँ, तुम ऐसा कैसा चला रहे हो बोल के पूछे, तो बच्ची गिर गए, दूसरे लोग उठा लिए, तो बच्ची के ऊपर से दूसरी गाड़ी चले जाती। फिर एयरपोर्ट रोड है, हर एक से अपील कर रहे हैं, हम हर एक से अपील कर रहे हैं, कोई हमारी बात का तवज्जो नहीं दे रहे, ना कोई इसके ऊपर सुनने वाला है। अब आखिरी में मोहल्ले वाले क्या डिसाइड करके आपको लाए हैं, बरहाल आप भी हमारे लिए मैडम के घर पे धरना देंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह जरूर। चलिए मैं बोलता हूँ कब जाना है।